नमस्कार दोस्तों, हमारे खट्टी मीठी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का कचौड़ी। हाँ दोस्तों, सूजी का कचौड़ी। चलिए देखते हैं, सूजी का कचौड़ी बनाने के लिए मुझे सामग्री क्या क्या चाहिए। ये मेरा सूजी है 150 ग्राम, और ये 5 आलू था जो मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया है। इसका छिलका उतार के मैंने मैश करके एक बाउल में रख दी हूँ। ये पानी है, मुझे जरूरत पड़ेगा पानी का। ये हरा मटर, मूंगफली, गाजर, ये तीनों को मैंने पहले ही तेल में फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपके किचन में हरा मटर, मूंगफली, गाजर मौजूद ना हो, आप आलू से भी बना सकती हैं कचौड़ी। और ये मेरा मसाला है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने यहाँ 2 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और 1/4 छोटा चम्मच जीरा है, मैं इसका छौंक लगाऊंगी। देखिए गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, गरम हो रहा है मेरा कढ़ाई। अब मैं इसमें सूजी डालूंगी और 1 कप पानी। जैसे हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं, सेम मुझे उसी तरह से इसको बनाना है। थोड़ा गीला हो और अच्छे से पक जाए उतना मुझे इसको पकाना है पानी डाल करके। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालूंगी। मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूंगी, नहीं तो मेरा सूजी का अच्छा से पकेगा नहीं। हाई फ्लेम पे मैं इसको जल्दी से पका लेती हूँ। आप देख सकती हैं कितना अच्छा से ये पक गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी, इससे मेरा कढ़ाई में ये हलवा चिपके ना। मुझे और इसको थोड़ा सूखा करना है और इसको बराबर चलाते रहना है कि कढ़ाई में चिपके ना। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बना है, पूरी तरह से सॉफ्ट एकदम। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल के रख दूंगी ठंडा होने के लिए। देखिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, कचौड़ी बनाने वाला मसाला मैं तैयार करूंगी। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। हरा मिर्च, जीरा, अदरक, ज्यादा इसको मिर्चा को नहीं भूनना है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ तेल में। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूंगी, मूंगफली, मटर, नमक स्वाद अनुसार आप डालें। अब मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं मेरे मसाले अच्छे से भुना गए हैं। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, आलू डाल के मुझे अच्छे से मिलाना है। देखिए मेरा आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डालूंगी, ये कचौड़ी बनाना बहुत इजी है और खाने में उतने टेस्टी है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बड़े से लेकर के छोटे तक इसको पसंद करते हैं। अगर आपके किचन में और सारी सब्जियां अवेलेबल हो तो आप डाल सकती हैं, जैसे में शिमला मिर्च, बीन्स, ये सब भी आप डाल सकती हैं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ मसाला से आलू को भून सकती हैं।
इसे भी आपकी कचौड़ी बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। देखिए ये अच्छे से भुना गया है, अब मैं इसको गैस के नीचे उतार देती हूँ। देखिए मैंने आलू मसालों को एक कटोरी में निकाल लिया है और मेरा ये सूजी का हलवा जो मैं बनाई थी कचौड़ी बनाने के लिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है। देखिए मैं इसको आसानी से टच कर सकती हूँ। अब मैं इसको आटा की तरह गूंथूंगी, हाथ में थोड़ा ऑयल लगा करके जैसे आटा गूंथते हैं मुझे उसी तरह से इसको गूंथ करके पूरी तरह से सॉफ्ट बनाना है। देखिए मेरा सूजी अच्छे से गूंथा गया है, मैंने गूंथ करके एक डो तैयार कर लिया है। हाथ में तेल लगाते हुए आप भी गूंथे नहीं तो हाथ में चिपकेगा। अब मैं कचौड़ी बनाऊंगी। गैस पे मैंने एक पैन में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। मेरा तेल गर्म हो रहा है, जब तक मेरा तेल गर्म होता है तब तक मैं कचौड़ी बना लेती हूँ। देखिए कचौड़ी मैं बनाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। कचौड़ी बनाने से पहले, आटा लेने से मैं पहले हाथ में ऑयल लगाऊंगी। आपको जितना बड़ा साइज बनाना है आप उतना साइज बनाइए, उतना बड़ा साइज के लिए आप लोइया ले सकते हैं। और अच्छे से इसको हाथ से चिकना करते हुए इसको मैं गहरा करूंगी इस तरह से। मैं इसमें बहुत ज्यादा ना डालें नहीं तो ये निकल सकता है बाहर। इसको हाथ से दबा करके मैं इसको बंद करूंगी। इसको हाथ से ही बनाना है, बेलन चकले से नहीं, बस ऐसी तरह से मैं सारा बना लेती हूँ। देख लीजिए, देखिए मैंने इतना बना लिया है और मेरा तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं तल के आपको दिखाती हूँ। जितना आए कढ़ाई में उतने ही डालें, ज्यादा ना डालें नहीं पलटने में दिक्कत होगा। एक साइड पे ले, अच्छे से ब्राउन होने दें, उसके बाद आप पलटें। देखिए मेरा अच्छे से ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छा बना है। इसी तरह से मैं सारा कचौड़ी बना करके तैयार कर लेती हूँ। मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए ये बहुत अच्छा बन रहा है कचौड़ी, आप देख सकती हैं। ऐसे ब्राउन हो जाए तो आप कचौड़ी को तेल में से निकाल दीजिए प्लेट में। देखिए मैंने सारा कचौड़ी बना के तैयार कर लिया है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सूजी का कचौड़ी बनके पूरी तरह से तैयार है, मैंने प्लेट में निकाल लिया सर्व करने के लिए। आप इसको गर्मा गर्म खा सकती हैं, ठंडा होने के बाद भी आप खाएंगे तो टेस्ट उसका उतने ही रहेगा जितना गर्म पे है। आप इसको चटनी और सॉस के साथ खा सकती हैं। ये बहुत चटपटा रेसिपी है, अगर आपके बच्चों को भी पसंद है तो आप इसको झटपट बना करके लंच बॉक्स में आप दे सकती हैं। आपके यहाँ आए हुए गेस्ट के लिए भी ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है, आप उनको भी नाश्ता वगैरह में ये बना करके खिला सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।